Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to talk about a very beautiful and new poem of D.J. Enright. D.J. Enright was a British academic poet, novelist as well as critic. In this poem, The Rebel, he introduces us a very beautiful character of society that is found everywhere in every society or every country or in every family. एक करैक्टर है जो हर बात उलट करता है. रेबल का मतलब ही बागी होता है. बागी जो अपने रूल्स रेगुलेशन से, जो अपने कस्टम्स से थोड़ा सा हट के बात करता है, अपोजिट जाता है. उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है. अ रेबल इज़ द पर्सन हु गोज़ अगेंस्ट द सोसाइटी एंड कंट्री रूल्स. जो कंट्री रूल्स के ख़िलाफ़ जाता है, जो अपनी सोसाइटी के रूल्स के ख़िलाफ़ जाता है, उसको हम बागी कह लेते हैं. तो इसी में भी एक ऐसा ही करैक्टर इंट्रोड्यूस कराया उसने, जो जब लोग कहते हैं ना कि लंबे बाल अच्छे होते हैं, ये कहता है नहीं, छोटे बाल अच्छे होते हैं. जब लोग कहते हैं छोटे बाल रखने चाहिए, तो ये कहता नहीं, बड़े रखने चाहिए. जब लोग कहते हैं कि कैट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, कैट्स इज़ अ पेट एनिमल, वो कहता नहीं, कैट्स नहीं, डॉग अच्छे होते हैं. जब लोग कहते हैं कि डॉग अच्छे हैं, ये कहता नहीं, कैट अच्छी होती हैं. हर बात ये अपोजिट करता है. किसी बात को जब लोग सारे यस कहते हैं, ये नो कहता है. जब लोग नो कहते हैं, यस कहता है. स्कूल में जब यूनिफॉर्म पहनते हैं सारे लोग, ये एक जो है ना एक प्लेन कपड़े पहनता है. और जब दूसरे लोग जो है प्लेन कपड़े पहनते हैं, तो ये यूनिफॉर्म पहनता है. हर काम इसने अपोजिट करना है. इसके ऊपर थोड़े कमेंट्स हैं, कुछ रेफरेंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. लेट अस मूव द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लाइन, व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर. जब हर आदमी, एवरीबॉडी इज़ अ प्रोनाउन, और एवरीबॉडी प्रोनाउन है तो सिंगल होगा वो, हर बंदा, तो सिंगल के साथ हैज आता है पोजेशन के लिए. जब हर आदमी रखता है, क्या रखता है, शॉर्ट हेयर. शॉर्ट यहाँ एडजेक्टिव है, हेयर यहाँ नाउन है. हेयर प्लूरल भी इसकी हेयर ही होती है. जब हर आदमी छोटे बाल रखता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो जो रेबल है, जो बागी है, वो अपने बालों को बड़ा कर लेता है. लॉन्ग एडजेक्टिव है, और ग्रो मैंने कहा था जब लेट आएगा तो लेट के साथ एक और वर्ब लगेगा, लेट अपने साथ एक और वर्ब लेता है, तो वो है ग्रो. तो जब रेबल जो है वो अपने बालों को बड़ा होने देता है, लॉन्ग होने देता है, लंबा कर लेता है. फिर नेक्स्ट, व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर. जब सारों के बाल लंबे होते हैं, जब हर आदमी ये चाहता है कि उसके बाल लंबे हों, लॉन्ग हों, फिर एडजेक्टिव है. तो रेबल क्या चाहता है, रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. तो रेबल अपने बालों को काट के छोटा कर लेता है. वो कहता है मैंने इनके साथ नहीं चलना, मैंने सोसाइटी के साथ नहीं चलना. तो अपने बालों को क्या करता है, कट्स काट लेता है, अपने बालों को शॉर्ट छोटा कर लेता है. व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. लेसन होता है व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, व्हेन द लेक्चरर इज गिविंग इज डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लासरूम. जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, लेसन दे रहा हो, तो वो क्या करते हैं, कहता है व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. जब हर बंदा क्लास हो रही हो और उस वक्त बात करता है, टॉक होता है बात करना. क्लास में जब सारे बोलते हैं, स्टूडेंट तंग करते हैं टीचर को, तो ये चुप करके बैठता है. देखें, द रेबल डज नॉट से अ वर्ड. तो रेबल जो है वो कुछ भी बात नहीं करता, एक सिंगल वर्ड नहीं बोलता. रेबल मीन बागी. वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, चुप करके बैठा होता है, मम. फिर व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. जब लेसन में कोई आदमी बात नहीं करता, सारे आदमी चुप हैं, लेक्चर हो रहा है, तो रेबल क्या करता है, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है टीचर के लिए. टीचर को ही मेक्स अ नॉइस, ही डिस्टर्ब द क्लास. वो क्लास को डिस्टर्ब करता है. जब सारे चुप करके बैठे होते हैं, ये शोर करता है, डिस्टर्ब करता है, और वल्गर बोलता है क्लास में बैठ के. अपोजिट हो गया ना. व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म. जब हर बंदा क्लास में यूनिफॉर्म पहनता है, तो ये क्या करता है, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स. जो रेबल जो है ये फैंटास्टिक क्लॉथ पहनता है. फैंटास्टिक होता है कलरफुल, शोख किस्म के, बड़कीले किस्म के, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव किस्म के, मार्वलस किस्म के, शोख रंग के कपड़े पहनता है ये. कब, जब सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो. व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ. और जब दूसरे जो हैं
यही काम जब दूसरे करते हैं, फैंटास्टिक क्लॉथ जब दूसरे लोग पहनते हैं, जब दूसरे लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, जब दूसरे लोग जो है ना वो मार्वलस कपड़े पहनते हैं, कलरफुल या शोक कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या करता है? द रेबल ड्रेस इज सोबरली। तो जो रेबल है, बागी है, ये सोबरली कपड़े पहनता है। सोबरली कपड़े होते हैं डिसेंट किस्म के कपड़े, प्लेन किस्म के कपड़े, जिसमें शोक रंग ना हो, कलरफुल ना हो, जिसमें कोई ना एक जो कहते हैं कि एडमायरेबल कपड़े पहनता हो, जिसको एवरी आदमी पसंद करे कि हाँ ये गुड है। प्लेन कपड़े, सादा कपड़े वो पहनता है, सेंसिबल कपड़े पहनता है, मुनासिब कपड़े पहनता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो कपड़े पहनता है। सोबरली इसे कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो, अच्छे लगें, सेंसिबल हो, एक बाशोर बंदा जो कपड़े जैसे पहनता है, कहता है ये सोबरली कपड़े पहनता है, अच्छे वाले, सेंसिबल, इट मीन सेंसिबल। फिर इन द कंपनी ऑफ द डॉग लवर्स, जो डॉग को पसंद करने वाले लोग हैं, कंपनी मीन द पीपल हु लाइक डॉग्स, जो लोगों को पसंद, जो डॉग्स को पसंद करते हैं, सच पीपल हु लव डॉग्स एंड दे टॉक अबाउट द डॉग। कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कबूतरों को पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्लियों को पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर में मुर्गे रखे उसको पसंद करते हैं, वो जिस भी पसंद के हो, कुछ मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं। वो ये कह रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट हो, जो कुत्तों के लवर हैं, डॉग के लवर हैं, जब वो उस कंपनी, कंपनी का पीपल को कहते हैं, जब लोग, जो लोग कुत्तों के लवर होते हैं, कुत्तों की बातें करते हैं, तो ये क्या करता है? द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो रेबल कहता है नहीं, जो कैट्स है ना वो आला है, प्रेफरेंस देता है, वो प्रायोरिटी देता है, वो प्रेफरेंस मीन प्रायोरिटी। वो कहता है नहीं भी, कैट्स अच्छी हैं, मुझे कैट्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसने अपोजिट जाना है, वो कैट को अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में शामिल करता है, कहता है आई लाइक कैट्स। जब वो कहते हैं डॉग, ये कहता है मैं आई लाइक कैट्स। इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर, फिर एक और कंपनी है, दूसरे लोग हैं जो बिल्लियों को पसंद करते हैं, जो कैट लवर हैं, कैट को प्यार करने वाले हैं, जो कैट को एज अ पेट एनिमल घर में रखते हैं, कैट लवर जो हैं वो जब होते हैं उनके पास जाके क्या करता है? द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग। जो रेबल है ये कुत्तों के बारे में अच्छे अल्फाज बोलता है। देखिए, रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड, अच्छे अल्फाज यूज़ करता है। पुट होता है रखना, यह मुराद है गुड वर्ड रखना, अच्छे अल्फाज रखना। वो अच्छी राय रखता है किसके बारे में? फॉर डॉग्स, कुत्तों के बारे में। तो यहाँ भी अपोजिट बात कर रहा है वो। नेक्स्ट अंदर में बात कर रहा है, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेसिंग द सन, जब हर बंदा सन की तारीफ कर रहा है, सूरज की तारीफ कर रहा है, धूप की तारीफ कर रहा है, सनशाइन इज़ वेरी गुड, सनशाइन इज़ वेरी प्लेजेंट। जब हर आदमी सन की प्रेस करता है, प्रेस होता है टू एडमायर, तारीफ करना, तो जब तारीफ करता है हर आदमी सन की, तो रेबल क्या करता है? द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो ये एक नया रिमार्क्स देता है, एक नए अपनी जो है ना एक ओपिनियन देता है। रिमार्क्स मीन हिज ओन ओपिनियन, वो अपनी एक ओपिनियन देता है कि इस वक्त कह रहा है, इस वक्त तो बारिश की ज़रूरत है, नीड ऑफ रेन। वो रेन चाहता है जब दूसरे सूरज चाहते हैं तो। एंड फिर आ गया, व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर आदमी रेन को खुश आमदेद कह रहा होता है, जब हर आदमी रेन की तारीफ कर रहा होता है, जब हर आदमी रेन की प्रेस कर रहा होता है, तारीफ कर रहा होता है, अच्छा कह रहा होता है, रेन के बारे में थिंक कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो ये क्या करता है? ग्रीटिंग होता है टू थिंक, टू एडमायर, टू प्रेस, यहाँ टू थिंक आएगा। जब हर आदमी रेन के बारे में सोच रहा होता है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो जो रेबल है वो कहता है कि नहीं, सूरज को होना चाहिए था। वो सूरज की जो एब्सेंस है ना, एब्सेंस होती है दैट इज़ नॉट प्रेजेंस, प्रेजेंस का अपोजिट है एब्सेंट, गैर हाजिर, जो ना हो, कहता सूरज नहीं है, मुझे इस बात का पछतावा है। पछतावा किस लिए लगाया? रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है रिपेंटेंट, रिपेंटेंट होता है पछताना, या इसके लिए यूज़ करते हैं टू फैड, टू फील सैड, कि वो परेशान हो जाता है कि सूरज क्यों नहीं है। कब? जब सब लोग रेन की तारीफ कर रहे होते हैं, वो पछताता होता है कि अब सूरज होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है सूरज, रिपेंटेंट, पछताता है वो इस बात पे। तो फिर देखें, व्हेन एवरीबॉडी गोज़ टू द मीटिंग, जब हर आदमी मीटिंग में जाता है, असम्बली में जाता है, किसी जो गैदरिंग में जाता है, किसी क्राउड में जाता है, तो ये क्या करता है? द रेबल स्टेज एट होम, तो वो घर पर ही ठहरता है रेबल, वो नहीं जाता, कहता नहीं मैंने जाना।
एंड रीड्स अ बुक, और किताब पढ़ता है घर बैठ के वो। तो व्हेन एवरीबॉडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब दूसरे लोग, हर बंदा घर में ठहरता है और किताब पढ़ता है, तो बागी क्या करता है, रेबल क्या करता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग। तो वो अकेला मीटिंग में जाता है, क्राउड में जाता है, असम्बली में जाता है, ग्रुप में जाता है, कहता है मैंने जाना है, बिकॉज ही इज़ गोइंग अगेंस्ट सोसाइटी रूल्स, ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रूल्स, फैमिली कस्टम्स। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, जब हर बंदा कहता है हाँ प्लीज, थैंक यू, यस कहता है, तो ये नो कहेगा। तो द रेबल सेज नो थैंक यू, रेबल कहता है नो थैंक यू, अपोजिट बात होगी। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब हर बंदा कहता है नो थैंक यू, तो ये क्या कहता है, द रेबल सेज यस प्लीज, कहता है हाँ प्लीज थैंक यू। वो अपने, वो यस कहता है जब दूसरे नो कहते हैं, जब दूसरे यस कहते हैं तो ये नो करता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, कह रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे जो लोग हैं उनमें, हमारे कंट्री में जो रेबल्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। उसने अच्छा कहा है, रेबल्स प्लूरल लगा दिया ना उसने, और साथ उसने एक और बात की है, उसने कहा रेबल तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप रेबल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यू हैव टू फेस द म्यूज़िक ऑफ योर फैमिली, ख़ानदान और सोसाइटी को की मुश्किलात, उनकी जो ताने हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे। ये बात उसने लिखी है, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तुम ये बनना, टू बी वन तुम ये होना, क्या होना, रेबल होना, तुम रेबल होना जो है ना, नॉट फाइंड, तुम नहीं अपने आप को चाहोगे कि मैं रेबल बन जाऊँ, बल्कि तुम्हें रेबल अच्छे लगे या ना लगे तुम नहीं चाहोगे, हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। अच्छा, ये देखने में तो ना एक छोटी सी एक पोएम है, लेकिन इसके अंदर एक मैसेज देखें क्या गया है, कि जो लोग, देखें कंट्राडिक्शन वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ एक न्यू आइडियाज़ होते हैं। एक आदमी के पास न्यू आइडिया है, वो आपकी बात को काटेगा, और ऐसे लोग जो पॉजिटिव थिंकर हैं, अगर पॉजिटिव थिंकर है, रेबल, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेबल, नेगेटिव रेबल एंड पॉजिटिव रेबल। नेगेटिव को हम कह लेते हैं पेसिमिस्ट, और पॉजिटिव को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट रेबल। ये जो सोच का फ़र्क होता है ना, अगर वो, इफ़ ही वांट्स टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि वो माशरे में चेंज ले आता है, तो फिर उसकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होंगी। अगर वो माशरे में चेंज नहीं लाता, एक तनकीद बराए तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म करता है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। अब देखें, आपके सामने गौतम बुद्ध की एक एग्जाम्पल है, एक राजा का बेटा था, उसने क्या किया, यही किया उसने, वायलेट किया, रिबिलियन की उसने, बगावत की अपने ख़ानदान से, उसने कहा नहीं, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ लाइफ, मैं ये ज़िंदगी पसंद नहीं करता, छोड़ दिया सारा कुछ, उसने जंगलों में निकल गया, गौतम बुद्ध के एक नए मज़हब की बुनियाद रखी। फिर आप एक और, आपके सामने हज़रत सुलेमान फारसी की एग्ज़ाम्पल है, कि एक बुद्ध, एक जो थे आतिशकदा के मालिक थे, लेकिन उसने क्या किया, वायलेशन किया, रेबल की, बगावत की, अपने दीन से, अपने दीन को छोड़ दिया, छोड़कर नया दीन में जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है ये, बहुत बड़ी रिबिलियन है ये, रेबल बागी, रिबिलियन बगावत, ये एक बहुत बड़ी बगावत होती है कि अपने मज़हब बदल लेना। बहुत से लोग हैं, हिंदू से मुसलमान हुए, सिख से मुसलमान हुए, कादियानी से मुसलमान हुए, हमारे बाजदाद भी पता नहीं क्या थे पहले, क्या बदला ना उन्होंने, तो वही बदलता है जो पॉजिटिव सोचता है, जो ऑप्टिमिस्ट है वो चेंज लाता है, और जो पेसिमिस्ट है वहाँ जाम हुआ रहता है, जमा रहता है, बस ठीक है जैसे चलता है चलने दो, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू चेंज इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्ट। तो इसी तरह फिरके बदल लेते हैं लोग, बहुत से लोग हैं मैंने देखा, जो सुन्नी, जो शिया से सुन्नी बढ़ रहे हैं, सुन्नी से शिया बढ़ रहे हैं, वहाबी से देवबंदी बढ़ रहे हैं, देवबंदी से बरेलवी बढ़ रहे हैं। तो ये एक उनकी एक थिंकिंग है, उनके एक ये एक वायलेशन है, रेबल है, जो वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा। सच पीपल हैव न्यू आइडियाज़, अगर न्यू आइडियाज़ हैं तो चेंज करेगा ना, तो न्यू आइडियाज़। इसी तरह नेगेटिव भी होते हैं, लोग भाग के शादियां कर लेते हैं, जो कि वालदैन के जो है नाम पे क्लिंक बन जाते हैं वालदैन के लिए, वो नेगेटिव रिबिलियन है, एक नेगेटिव बगावत है, अगर पॉजिटिव है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ, कि एक मूवी है इंडियन की, उसमें एक उनके हिंदुओं में नाखून काट के अगर घर में फेंकें तो उनका ख्याल है कि चोर आ जाते हैं। हमारे भी ऐसी बहुत सारी हैं, काली बिल्ली रास्ता काटे तो हमारा लॉस हो जाता है, अच्छा नहीं होता,
बहुत सारी हमारे हमने अपने ऊपर जो है ना वो वर्द की हुई हैं जो हमारी है ही नहीं। तो उनके हैं कि अगर नाखून काट के घर में फेंके तो रात को चोर आ जाता है। उनका एक लड़का था, वो पढ़ने गया था ऑक्सफोर्ड से, पढ़ के वापस आया हिंदुस्तान, तो उसने देखा कि घर में ना लड़ाई पड़ी हुई है। लड़ाई किस बात से है कि हमारी जो बहू है उसने नाखून फेंके थे और घर में चोरी हो गई है, इसलिए बहू को घर से निकाल दिया जाए। तो वो लड़का आता है ज़हरा, वो थोड़ा सेंसिबल बन जाता है, थोड़ा रेबल होता है। वो कहता है क्या हुआ? उसने कहा जी इस पागल की वजह से घर में चोरी हो गई है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम यूँ करते हैं कि आपका ख्याल है कि नाखून फेंकने से चोर आता है? उसकी माँ ने कहा हाँ बेटे चोर आता है। उसने कहा चलें आज हम ना सारे नाखून काट के फेंकते हैं और डंडे सोटे बंदूकें लेके बैठ जाते हैं, जब चोर आएगा तो पकड़ लेंगे, ये तो आसान तरीका है चोर पकड़ने का। ऐसे किया उसने, नाखून काटे, घर में फेंके और छुप के बैठ गया स्टिक पकड़ के। उसको पता था कुछ नहीं आना, वो अपने वालदैन का बिलीफ जो है उसको एक जो है ना मजबूत करना चाहता था। तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तक कोई चोर नहीं आया। उसने कहा कि आप माने फिर ये कुछ नहीं है, एक फरसूदा ख्याल आते हैं आपके अंदर से निकालें आप। तो रेबल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सम टाइम आपको यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ओन डिज़ायर्स, ओन विशेज, बस फॉर द लेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली। फैमिली के लिए बार दफ़ा आपको अपनी अमंगों का खून करना पड़ता है, आपको अपने जो है ना दस्तबरदार होना पड़ता है अपने अपने राइट्स से। वो आप सोसाइटी के लिए करते हैं, आप लोग फैमिली के लिए करते हैं। तो इसी तरह जो लोग न्यू आइडियाज़ रखते हैं वो लाजमी अपोजिट जाएंगे। ब्लाइंड फेथ पे कोई यकीन नहीं करता, पढ़ा लिखा बंदा यकीन नहीं करता। और इसी तरह आप इसके थीम में भी यही चीज़ आपको नज़र आएगी। तो मैं आपको थीम के बारे में बता दूं ज़रा। अ रेबल इज़ द पर्सन हु गोज़ अगेंस्ट द सोसाइटी एंड कंट्री रूल्स। रेबल वो आदमी होता है जो सोसाइटी और कंट्री रूल के अगेंस्ट जाता है, खिलाफ जाता है। ही वॉन्ट्स टू रन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। वो अपनी मर्ज़ी के साथ सोसाइटी को चलाना चाहता है, कहता है सोसाइटी मेरी मर्ज़ी से चले। फिर उसने कहा है द ऑप्टिमिस्ट रेबल मे ब्रिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी चेंजेस इन सोसाइटी। कह रहा है जो ऑप्टिमिस्ट रेबल है ना, ऑप्टिमिस्ट होता है पॉजिटिव थिंकर, जो पॉजिटिव सोचता है ना रेबल, जो बागी पॉजिटिव सोचता है वो कहता है कि मे बी ही इज़ एबल टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में वो चेंजेस ले आए, पॉजिटिव चेंजेस ले आए, हेल्दी चेंजेस ले आए। वाइल और उसके अपोजिट है जो दो पेसिमिस्ट रेबल है ना, जो नेगेटिव सोचने वाला है, वो क्या करता हैज़ टू फेस द फैमिली। उसको फैमिली के और सोसाइटी की मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ती है। नेगेटिव सोचने वाले को फैमिली का भी सामना करना पड़ता है, सोसाइटी का भी सामना करना पड़ता है। इट इज़ नॉट लॉफुल, ये ठीक नहीं है, टू कंट्राडिक्ट और अपोज एवरी थिंग एंड एवरी वन। ये पॉसिबल नहीं है, ना ये सही है, ना ये जायज़ है। इट इज़ नॉट फेयर कि आप हर चीज़ को मुखालफत करते फिरें, हर बंदे की मुखालफत करते फिरें, हर चीज़ को आप नेगेटिव देखें कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यू हैव टू बी सेंसिबल बिफोर कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के लिए आपको अपना खुद सेंसिबल होना चाहिए ना। तो सम वी हैव टू फॉलो द सोसाइटी रूल्स अनविलिंगली। तो उसको क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी उसको सोसाइटी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सम हो फिर भी अ लिटल रिबिलियन इज़ हिडन इन एवरी पर्सन। वो कह रहा है कि हर बंदे में ना थोड़ी बहुत ही बगावत छुपी होती है, हर बंदे में, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही ज़रूर होती है। जहाँ यही तो वजह है कि हमारे टॉलरेंस जो है, हमारे जेन की मैचिंग नहीं हो रही, हमारे लोग मेंटल लेवल एक नहीं है, वो इसी वजह से है कि हमारा मेंटल लेवल एक नहीं है। तो हम हर बात में किसी के साथ एग्री नहीं करते, कभी डिसएग्री भी करते हैं। बट कीप इट इन माइंड, एक बात जहन में रखें, वो कहता है दैट मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज नॉट अथॉरिटी, कि जो मेजॉरिटी होती है ना ये हमेशा अथॉरिटी नहीं होती। अगर ऐसे होता तो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था नबुवत का मक्का में, तो सारे क्रैश आपके ख़िलाफ़ हो गए थे। क्या वो सारे सही थे? सही नहीं थे। दे डोंट वॉन्ट टू लीव द पाथ ऑफ देर किन्स एंड देर अपने अबाउजदाद का वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनकी जो सरदारियाँ ख़तरे में थीं, तो वहाँ जो है वो ये बात ज़रूरी नहीं कि सारे हों तो वो सही होगा। जो सारे जमहूर कह रहा है या ज़्यादा पीपल कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं, तो वो बात सही हो। कहने वाला कौन है? कहने वाला सेंसिबल है? कहने वाला जो है ना उसका अपना ब्रेन है कोई? तो
तो ऐसी बात होती है कि उसने कहा एंड पे कि मेजॉरिटी इज़ नॉट ऑलवेज अथॉरिटी। मेजॉरिटी ठीक है, मेजॉरिटी के साथ चलना चाहिए, लेकिन हर वक्त मेजॉरिटी जो है ये ठीक नहीं होती। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।